आज तो आप लोग देख ही सकते हैं कि अब टाउन हॉल 8 के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और अब हम इसको फिक्स करेंगे, तो फिर जो सारी चीज़ अपग्रेडेड नहीं है उन सब चीज़ों को हम नीचे को ला देते हैं। जो सारी चीज़ अपग्रेडेड हो चुकी है वो सब कुछ ऊपर की तरफ। ट्रेजरी में से सारा गोल्ड निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले हम क्लैन कैसल को अपग्रेड करेंगे। क्लैन कैसल अपग्रेड में है। हम दूसरी कौन कौन सी चीज़ें अपग्रेड पे रख सकते हैं? नया विज़ार्ड टावर, नया आर्चर टावर, बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आई है। तो और हम एक सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हैं, वो है हम लोग रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर लेते हैं सारे हमारे बाकी हुए हैं वो गोल्ड से। हम सारे के सारे हमारे वॉल स्पीसीज को ब्रूड करेंगे और जल्दी से अटैक करेंगे। बाद में लेबोरेटरी को भी अपग्रेड करना है। लेबोरेटरी के अंदर के ट्रूप्स को भी हमको फटाफट अपग्रेड करना है। तो अब धीरे धीरे हमको हमारे दूसरे आईडी से ज़्यादा खेलना पड़ेगा। बलून्स की लेयर, पीछे मिनियंस, किंग और उसके पीछे सारे विजार्ड्स। किंग को भी 5 लेवल बूस्ट मिला है, तो किंग अभी हमारा लेवल 6 का हो गया, पर एक्चुअल में मेरे पास लेवल 1 का ही किंग है। किंग को बूस्ट करते हैं। लो, कोई इफेक्ट ही नहीं है। किंग कितना स्लो है और आप मेरे 10 और 10 के आईडी में देख पाते होगे। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं कि उसमें किंग कुछ अलग ही है और इसमें किंग कुछ अलग ही है। तो ये अटैक हमने 3 स्टार कर दिया है, चलो गुड। दूसरी आर्मी को ट्रेन करेंगे जल्दी से। स्टार बोनस भी हमको मिल गया। ओ, हमारे पास एक ही आर्मी ट्रेन है। 2 आर्मी को हमने जल्दी से ट्रेन पर रख दिया है। ओके, लेबोरेटरी को अपग्रेड करने के लिए हमारे पास इतना ज़्यादा एलिक्सर भी हाल फिलहाल है नहीं। ट्रेजरी में से निकाल, तब भी हमारे पास इतना एलिक्सर। ओके, वी गॉट एलिक्सर, हो गया एलिक्सर। और हम लेबोरेटरी को अपग्रेड पे रख देते हैं। लेबोरेटरी को हमने अपग्रेड पे रख दिया है। स्पेल फैक्ट्री को हम लेवल 2 का कर पाएंगे अब। उसको भी रखेंगे हम जल्दी। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। 12,000 डार के एलिक्सर भी आ सकता है। अभी हमारे पास आर्मी ट्रेन नहीं है तो हम दूसरा अटैक नहीं कर पाए, पर आज से ही हमारी सारी चीज़ों को मैक्स करने की धीरे धीरे हम शुरुआत कर देते हैं। क्लैन कैसल को रख दिया, लेबोरेटरी को और एक मोटर को ग्रुप पे रखा है हमने। तो चलो हम अपने दूसरे एड में जाते हैं। उधर से मैंने एक नई आर्मी को ट्रेन किया है। आप उस आर्मी से थोड़ा अटैक भी देखेंगे और पता नहीं वो आर्मी कैसे होगी, क्योंकि वो आर्मी हम फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो कि हम आ गए हमारा टाउन 10 वाले आईडी में। और ट्रूप्स देख सकते हो आप, मैंने बेबी ड्रैगन, हीलर, 6 बलून, थोड़े आर्चर और 11 लाइटनिंग स्पेल के साथ आर्मी को ट्रेन किया है। तो हम सीधा अटैक पे जाएंगे। एक थोड़ा सा नई आर्मी तो ऐसा भी ढूंढेंगे जिस पे हम अटैक कर सके। ओके, ये एक अच्छा बेस है। 1 2 3 लाइटनिंग यहाँ पे, 1 2 3 लाइटनिंग यहाँ पे, 4 लाइटनिंग यहाँ पे और
एक लाइटनिंग यहाँ पे। ओके डन। पहले थोड़ा फनल कर लेते हैं बेबी ड्रैगन से, बाद में क्वीन को हम अच्छे से पाथ करवा पाए। बेबी ड्रैगन भी मेरे लेवल 1 के, इसलिए बेबी ड्रैगन भी इतने इफेक्टिव है नहीं। ओके, यहाँ पे और एक बेबी ड्रैगन रख देते हैं, और यहाँ पे हमारे 6 ओके 6 बलून रख देते हैं। एक दो आर्चर यहाँ पे, थोड़ा डिस्ट्रक्शन कैरी और कर सके हम। ओके, तो सीसी में से ड्रैगन और ड्रैगन लूर हुआ है। तो पहले तो यहाँ पे हमारी क्वीन और हीलर्स को डिप्लॉय कर देते हैं। ओके, क्वीन और हीलर हो गए हैं। क्वीन हमारी, ओ अरे भाई, क्वीन की एबिलिटी हमने यूज़ की पर इतना कारगर नहीं रही। सारे बलून्स को हमको, ये अटैक तो बहुत बुरी तरह से फेल। अगर आर्चर फिर थोड़ी देर और जिंदा रह जाती तब भी हम कुछ सोच पाते, पर अभी तो हमने सारे ड्रैगन्स को स्पैम कर, बेबी ड्रैगन्स को। पहले बार यूज़ किया था ऊपर से आर्चर क्यों इतनी बुरी तरह से मरी है ना, मेरे को बहुत लिटरली यार अब इतना अंदर से बुरा लगा है, क्या बताऊँ आप लोगों को। पर कोई नहीं, वो पहली अटेम्प्ट थी, उसमें ऐसा तो होता ही है। तो दूसरी आर्मी भी ट्रेन कर ली है उसमें, और उसमें भी 4 हीलर है, तो क्वीन को हमको ले जाना होगा। आप सबको पता ही है क्लैन वॉर लीग कल दोपहर को स्टार्ट हो रही है, और कल दोपहर को मेरे पास फ़ोन नहीं होगा, इसलिए कल मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। मैं परसों वीडियो बना, इसलिए मैं पहले क्लैन वॉर को नहीं खेल पाऊँगा, मैं पहले दूसरे क्लैन वॉर के वीडियो बनाऊँगा। और कल हमारा किंग भी लेवल 19 का हो जाने वाला है, तो इसलिए हमारे लिए वो भी एक अच्छी चीज़ है कि हमारा किंग भी क्लैन वॉर लीग के अंदर हमारे साथ होगा। 2 दिन के बाद जाइंट भी लेवल 7 के हो जाएंगे। जाइंट के बाद हम गोलम को रख देंगे लेवल 3 के लिए, क्योंकि गोलम भी इम्पोर्टेंट ट्रूप है। रिक्वेस्ट कर लेते हैं क्वीन को मुझे देने। ओके, वी हैव 1 जेम बूस्ट, तो मैं क्वीन को 1 जेम बूस्ट दे देता हूँ। 3.5 मिनट में क्वीन हो जाएगी, तब तक हम एक अटैक वाइस वर्सा मल्टीप्लेयर से वाइस वर्सा के अंदर शिफ्ट होके एक अटैक करते हैं। बॉमर्स वॉल सेक्शन को डिस्ट्रॉय कर, ओह शिट, इसमें भी ये सबसे बुरी चीज़ हुई हमारे साथ। वापिस होम विलेज जाके मैं आपको सब बुरी स्टोरी बताऊंगा। इसमें मैंने अपने बैटल मशीन को अपग्रेड पे रखा है, वो भी अब भी रखा है मैंने, अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ होगा रखा उसको मैंने। ये अटैक तो फेल होगा, 30% तक पहुंच जाए तो भी अच्छा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है 30% भी नहीं होगा। ओके, नाइट विच स्टोरेज के ऊपर लॉक हो गया, मीन्स 30% तो हो जाएगा, उसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते। अभी तो अटैक ओके गुड, 35% तक पहुंच गए हैं हम लोग।
ओ भाई 37, एंड इमेजिन, हमने सोचा भी नहीं था कि हम 37% तक पहुंच सकते हैं। तो वापस विलेज पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे पास जो बिल्डर रिग्स रूम था वो मैंने कैश कर दिया, और उससे मैंने बैटल मशीन को बेड पे रख दिया है। बैटल मशीन को अब 2 दिन होने वाला था, हम अगले 2 दिन तक बैटल मशीन को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्वीन को हील होने में भी थोड़ा टाइम है। तब तक हम 11 के अंदर जो जो चीज़ हमको मिलने वाली है उसकी थोड़ी देख लेते। ग्रैंड वार्डन मिलेगा टाउन और हिल में हमको, रीगल आर्टिलरी और टॉर्नेडो ट्रैप, ये तीन चीज़ नहीं आने वाले हैं टाउन और 11 में। और टाउन 11 से हमको कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है। 4 कैनन और 6 आर्चर टावर, 1 विज़ार्ड टावर, इसके बाद हम टाउन हॉल 11 के अंदर जंप कर सकते हैं। अब वॉल सेगमेंट हमारी थोड़ी ज़्यादा बाकी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं वॉल सेगमेंट्स को जल्दी से पुशअप करूँ, कि हर रोज़ की एक वॉल या हर रोज़ की दो या तीन वॉल करूँगा तब भी 200 वॉल सेगमेंट्स बाकी है। तो हम कितने 100 तक कर पाएंगे शायद। तो शायद वॉल्स को हम रश करेंगे, 10 सेकंड की देर है। वापस हम इस अटैक के बाद हम वापस हमारे दूसरे एडी में जाएंगे और उधर भी थोड़ी बातचीत करेंगे, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। क्लैन वॉर लीग स्टार्ट होने वाली है हमारी। ओके, हम इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं कि इसके एक और, क्योंकि इसके एयर डिफेंस है वो अपग्रेड पे, इसलिए ड्रैगन के साथ हम इस बेस के ऊपर और इसके ऊपर तो अटैक कर ही सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। 2 बेबी ड्रैगन रख देते हैं, 6 बलून्स, यहाँ पे 4 आर्चर्स को रख देते हैं, और यहाँ पे भी 2 बलून रख देते हैं जिससे किंग के हेल्थ भी कम हो जाए। ओके, बलून्स आर्चर टावर के ऊपर पहुँच गए थे। यहाँ पे एक लावा, उसके पीछे 3 4 5 6 बलून्स, यहाँ पे और एक बलून, यहाँ पे, ओ सॉरी, बलून्स क्या, बेबी ड्रैगन। बलून्स हम लाए ही नहीं है, सिर्फ 6 बलून लाए थे। अब बेबी ड्रैगन का अटैक अच्छे से चल रहा है। बेबी ड्रैगन ने बहुत सारी चीज़ें को तोड़ फोड़ दिया है। ओके, 50% हमने 1 स्टार तो स्कोर कर लिया। ओके, 56% पे हम पहुंच चुके हैं। कल रात से मुझे बहुत सर्दी हो गई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हुआ है। ओके, तो क्वीन हमारी डाउन, उसे के साथ अटैक ख़त्म, और ये अटैक हमने कर दिया। ये सब चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हेस्ट बलून की इवेंट चल रही है और 2 दिन के बाद ख़त्म होने वाली है। कौन से ट्रूप के साथ मैं बलून कैसे सेट करूं कि इवेंट के अंदर ठीक से 2 बलून,
सॉरी, दो बॉमर ले जाते हैं। बॉमर की जगह जो है ना ये, ठीक है, चार आर्चर, एक जम्प स्पेल ले जाते हैं, रेज, फ्रीज और रेडी। अलग अलग आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं अभी तो हम। तो चलो हमारी अब हम दूसरी आईडी में। अभी इसमें आर्मी ट्रेन तो हुई नहीं है, पर तो कुछ नहीं भाई, प्लीज ये सीरीज, पूरी सीरीज को लाइक करना। रश्ट एंड फिक्स की सीरीज होने वाली है, हम धीरे धीरे सब कुछ फिक्स करने वाले टाउन हॉल 8 पे आके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपको अगर नए नए वीडियो देखने हैं इस सीरीज के ऊपर। टिल देन बाय, टेक केयर, और अगले वीडियो में मिलेंगे CWL के अंदर।